और नहीं, मिलकर लेंगे कईयों की जान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो लोग जो हादसों का शिकार लगातार हो रहे हैं। मामला शनिवार का भी है, जहां अजंता चौक पर रात को डिवाइडर न दिखने की वजह से नए बन रहे हाईवे नंबर 46 पर हादसा हो गया। यह हादसा एक बार नहीं दो बार हो गया और लगातार होता ही रहेगा अगर यहां कोई व्यवस्था जल्दी नहीं की गई तो। 20 के अंदर इससे पहले आधा घंटा पहले दो लोगों को मार लगी थी, वो गाड़ी पलटी हुई, उसको भी सीधी किए, बाद में दो लोग निकले, फिर वो गाड़ी लेके गए ऐसे। वो भी ऐसे अंदर भी मत दिखा दो, वापस से आपने रास्ता भी बताइए, आपने रास्ता भी बताइए, देखिए ये कैसा रास्ता है, ये अभी ये है, ये देखिए पर ये ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं है, क्या करेंगे। कहाँ पर टकराई गाड़ी उधर, ये बस डिवाइडर अपन अगर अपर रहा तो भी हल्का सा दबता है, डीपर में तो दिखता ही नहीं है, टू व्हीलर वाला कोई रात हो तो बचेंगे ही नहीं बेचारा, कोई रिफ्लेक्टर दिखाई भी नहीं दे रहा वहाँ, नहीं दिखाई दे रहा वहाँ। तो मन उदय स्टिकर लो म्हणता आले तो पण एक हजार माणसाचा जीव गेला तर कोणत्या कोणत्या भावात पडणार त्यांचं, त्यांना थोडीशी पण जिम्मेदारी तिथं उभ्या उभ्या असल्यावर त्यांनी मागून येऊन सर सगळ्या लोकांनी लोकांनी उचलून ती गाडी शिकली। काय म्हणणं त्यांचं रिफ्लेक्टरबद्दल, मला एकच म्हणणं ते म्हणलंय उद्या स्टिकर लावू म्हणतो आम्ही, मग आज का आज आज जर काही झालं असं उद्याचं काय करणार माणूस, जर का फ्लॅश मारला साहेब तर समोरच्याला दिसत नाही, आज ते फोर व्हीलरवाली आज साधारण माणूस जर का घुसला तर मागचा ट्रकवाला त्याला छेडणार नाही का। बरोबर, अनेक कुटुंब सुद्धा येत राहते, पती पत्नी वगैरे लहान मुलं त्याच्या मागे पोरं सोरे, आज ते मोठे लोक पण गरीब लोक आहेत साहेब, काही दिसलंच नाही ना, पाणी पाऊस चाललं, इथे एक सिग्नल दिसलं नाही, काहीच दिसलं नाही, काहीच नाही, गाडीचे दोन्ही एअरबॅग खुलले, दीड दोन लाख एअरबॅग उघडली, दोन्ही एअरबॅग खुलले बघा ना, त्यामुळे जीव वाचला आपला, त्यामुळे जीव वाचला, संपला होता। नागरिक परेशान है, चालक हैरान है, क्योंकि यहाँ जो डिवाइडर लगाया गया है वह दिखता ही नहीं है। चूंकि सड़क नई बन रही है इसलिए यहाँ पर कोई बैनर पोस्टर भी नहीं लगाया गया है, ताकि उनका बचाव हो सके जो यहाँ पर अपना वाहन चला रहे हैं। यह रास्ता कोई खाली रास्ता भी नहीं है, यह रास्ता देश को मुंबई से जोड़ता है और यहाँ लगातार बड़ी मात्रा में आवाजाही लगी रहती है। इस तरह से यहाँ पर हादसा होना बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ यह हादसा हुआ करता है वह जगह शहर के बिल्कुल करीब है। ऐसे में लोगों के दिलों में बस यही सवाल चल रहा है कि क्या कुछ लोगों के बाद ही नहीं और झंडू जिसे यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है वह यहाँ पर कुछ इंतजाम करेंगे, क्या वो लोग यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।